कोकोला मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है सर, सब ठीक है। लाइव सिटी को देखने वाले श्रोता, जितने भी लाइव सिटी को देखने वाले श्रोता है भाई, हमारे अलोक मित्र हैं, इनको प्यार आशीर्वाद दीजिए और इसको सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार बनाइए। ना जाप भाई होने वाला नहीं है, आ जाओ अंदर। ये बताइए कि ये गाना जो है आपका कॉपी कर लिया गया है, अक्सर आपके गानों को सुधार लिए जाते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ ज्यादा धन होता है चोरी नहीं होती। हमारे पास धन ज्यादा है, धाने का भंडार है, तो किसी को चुराने से अगर किसी का घर चलता है तो विवाद में तो पड़ जाते हैं। गाने बढ़ते नहीं, लोग डाल देते हैं। खाली हमारे विवाद, एक्चुअली जिस पेड़ पे फल होता है ना, पत्थर वही चलती है। अब खाली पेड़ पर पत्थर मारी, तड़कुल पे ढेला मारे ला ना, लीची पे मारी, आम पे मारी, अमरूद पे मारी, तो जब ना वो तो लोगों का प्यार है। और आप इसको प्यार आशीर्वाद आप ही दीजिए अपने चैनल के माध्यम से। ये अपने भाषा का एक गाना है, एक साफ सुथरा गाना है और आज के माहौल का गाना है। इसको ढेर सारे प्यार। सौम्या को आपने गाने में लॉन्च किया है, बहुत सारे लोग विवाद इसको उत्पन्न कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? विवाद करने वालों की औकात तो है नहीं, तो कम से कम मेरा नाम लेकर अपनी औकात बड़ी कर रहे हैं तो अच्छी बात है ना, वो बुरा कहा है? लोग कह रहे हैं, एक बात बताएं, इनको दुनिया के रिश्ते गंदा लगती है ना, वो खुद ही उस रिश्ते के लायक नहीं, तो उनके बातों पर ध्यान रखें जी। अंतिम सवाल, अंतिम सवाल, आप सौम्या को लॉन्च कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं टैटू हम भी बनवा लेंगे, तो कैसा भी लॉन्च करेंगे? टैटू बनवाने से कोई लॉन्च नहीं होता, आपके अंदर वो प्रतिभा होनी चाहिए, और प्रतिभा अगर आपके अंदर है तो टैटू बनवाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया को प्रतिभा चाहिए, टैटू आप अपनी खुशी के लिए बनवा सकते हैं, किसी को खुशी के लिए बनवा सकते हैं, लेकिन लोगों को मनोरंजन करने के लिए आपके अंदर प्रतिभा होनी चाहिए। इस गाने में अगर जिसको लगता है कि नहीं टैटू की वजह से काम मिला है, तो ये गाना एक बार देख ले कि हाँ भाई वो टैटू की वजह से मिला है, कुछ लड़की की प्रतिभा की वजह से मिला। चलिए, हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे? NBC 20 बस ऐसे ही प्यार इस चैनल को देते रहिए। खेसारी लाल है और इस गाने के माध्यम से क्या संदेश आज के माहौल का ये गाना है। अखिलेश कश्यप जी, हमारे शुभम तिवारी, राजगाजीपुरी, सौम्या पोखरेल और जितने भी इस गाने से जुड़े हुए लोग हैं, सबको दिल से प्रणाम कि उन्होंने इतनी मेहनत की और इतना परिश्रम के बाद ये गाना 13 मिनट में 1 लाख से ऊपर व्यू हो गया, 2 लाख व्यू हो गया, कितने मिनट में? 22 मिनट में 2 लाख व्यू, बहुत कम ऐसे गानों को मिलता है। और कल भी ये गाना मेरा रिलीज हो रहा है कमरिया कोको कोला इसके मेन चैनल से, तो मैं चाहूंगा कि उसको भी इतना ही प्यार और सम्मान दें। खेसारी लाल यादव को लोग कई दूसरे नाम से भी जानते हैं, उनका पुराना नाम आ गया क्या? मेरा नाम शत्रुघ्न कुमार है। खेसारी लाल यादव आपका नाम है, अगर आज तो सिंगल लोग हो जाता है, सिंगल लोग हो जाता है, ऐसे ही प्यार आशीर्वाद की सारी को जिस तरह देते हैं वैसे देते रहिए, ताकि मैं आपके मनोरंजन के लिए आज बोल पाता हूँ। उसका टाइटल बनाना मुझे किसी वीडियो भेजा, तो उसका नंबर तो मेरे पास था नहीं, ताकि मैं समझा सकूं, बट मैंने नाल किया था और जो हंगामा मेरे साथ हुआ था उसके बाद वहाँ आई थी मैंने के लिए, बट मैं मिल नहीं पाया क्योंकि मैं चला आया। फिर दूसरी बार जब नेपाल गया तो आई और मिली मेरे से और बोली कि सर मेरा सपना है कि आपके साथ, तो अगर किसी का सपना मेरे वजह से पूरा होता है तो मैं कहाँ से गया, और किसी का सपना अगर लगता है पूरा हो सकता है कि उस बच्चे ने काम भी बहुत प्यारा किया है, आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि उसने कितना प्यारा काम किया है। तो
ऐसे ही सबको बड़ा बनने का ईश्वर ने दिया है कि हाँ बड़ा बनिए। हमारे दिल में बड़ा बनाना और हमारे हाथों में नहीं है कि हम किसी को बड़ा बना दें। अगर उस लड़की के अंदर प्रतिभा नहीं होगी तो शायद दुनिया का कोई ताकत किसी को बड़ा नहीं कर सकता है। अब पता नहीं मुझे, देखिए उसका फैमिली बैकग्राउंड नहीं, उसके हस्बैंड आते हैं बेचारे और बहुत सपोर्टिव है, हस्बैंड मिले हैं सोमया को, ताकि हर जगह लेकर जाना आना, उस बच्ची को इस लेवल तक देखना। तो मेरी शुभकामना है उन दोनों के लिए कि पति पत्नी की जिंदगी उनकी ऐसे ही लंबी चलती है। क्या लगता है आगे भी उनको मौका मिलेगा? अगर बेहतर काम करेगी तो उसके लिए हर आदमी का दरवाजा खुला होगा, सिर्फ खेसारी ही नहीं बल्कि मुझे लगता है कि भोजपुरी के सारे लोग उस लड़की के साथ जब के भैया नहीं ना होगा, नेशनल का है ना, नेशनल में अलग अलग खोजता है। मतलब नेशनल, अरे तो दिक्कत होता है ना, थोड़ा सा पीछे। हाँ चल वीडियो बना के भेज देगा।